नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों से भी आपको अवगत करवाएंगे और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार नई सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी सरकार पूर्व पीएम पर नए नए आरोप लगा रही है। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के गृह मंत्री अता तरार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तरार ने कहा, इमरान खान शुरू से ड्रग एडिक्ट रहे हैं, चर्स और कोकीन के बिना इमरान खान 2 घंटे भी नहीं रह सकते। रूस यूक्रेन जंग को 5 महीने हो रहे हैं, हमले अभी भी जारी है। मेलिटोपोल में यूक्रेनी सेना ने पलटवार करते हुए रूस के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने यहां एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी। इस बीच रूसी डिफेंस मिनिस्टर के शहर पर भी कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन ने भी इसे कंफर्म किया है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में रविवार को भारी बारिश के चलते एक यात्री बस पहाड़ी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। उच्चतम न्यायालय सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े। उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में 99 वोट पड़े। सदन में मौजूद 3 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह उद्धव ठाकरे गुट के हाथ निराशा लगी है। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट के 2 और विधायक शिंदे खेमे में शामिल हो गए। दवाओं की कीमत तय करने संबंधी नियामक NPPA ने डायबिटीज, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं के लिए खुदरा कीमतें तय की हैं। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मुलेशन की कीमत भी तय की है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। कुल्लू जिला की सैंज घाटी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी बस के अंदर फंसे हुए हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में अब दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए पात्र लोगों को 50 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में नकली और अनब्रांडेड कीटनाशकों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने टेक्नो लीगल सेल से हिमाचल समेत अन्य राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। और अब बात करते हैं अखबार की प्रमुख खबरों पर। ट्विटर ने अपनी नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मई में भारतीय यूजर्स के 46,000 से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की पहली पसंद बनकर सामने आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पंजाब की भगवंत मान सरकार आज शाम 5 बजे अपना कैबिनेट विस्तार करेगी। बताया जा रहा है सरकार में 5 नए मंत्री जोड़े जाएंगे। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें एक खबर से सुर्खी तक कांग्रेस लेख लिखा है, जिसमें लिखा है कि भाजपा के चक्रव्यूह के सामने विपक्ष का इम्तिहान जिस तीव्रता से शुरू हुआ उसके चलते रिवाज बदलेगा के कई गूढ़ अर्थ सामने आएंगे। आगे का लेख आप खुद पढ़ें। इसके अलावा जिला परिषद कर्मचारियों को सरकारी दर्जा 2 लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है सुखदेव सिंह ने। आम जन व वित्तीय समावेश के लाभ लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको उसके भरे हुए कान पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक है निर्मल असो। और अब बात करते हैं आज के रोचक विषय की। हम सभी ने आज तक यही सुना है कि हंसना सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिस पर ये रूल काम नहीं करता। इस महिला की हंसने से मौत भी हो सकती है। नॉटिंगटम की रहने वाली 27 साल की नताशा एक जिमनास्ट है और उन्हें बेहद विचित्र तरह की एलर्जी है। नताशा का पसीना, हंसी, यहाँ तक कि उनकी प्रबल भावनाएं उनकी जान ले सकती हैं। इस वजह से वो लगभग 500 बार अस्पताल में भर्ती भी हो चुकी है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।